मैं संजीव कुमार, शुभम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसा क्वेश्चन बताने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम 2020 में लगातार 5 सालों से पूछा जा रहा है। आप खुद इस क्वेश्चन को अनसॉल्व पेपर उठाकर देख सकते हैं कि कितने साल से ये लगातार 5 साल से रिपीट हो रहा है। 2011 में पूछा गया था, 13 में पूछा गया था, फिर 15, 16, 17, 18, 19 लगातार 5 साल से पूछा जा रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन जो है वही इसमें भी गॉस की परमेय की सहायता से इस क्वेश्चन को हमको प्रूफ करना है। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 100% है कि एग्जाम में 5 मार्क्स दे के जाएगा। इस क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन सबसे पहले तो ये देखिए कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। क्वेश्चन का जो मेन मोटो है वो ये है कि एक समान आवेशित अनंत समतल चादर, ये जो समतल चादर आपको दिख रही है इसकी लंबाई अनंत है, ठीक है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। इसी क्वेश्चन को एग्जाम में कई तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है। तो आप अपना बेसिक चीज मजबूत रखिए। बेसिक चीज मजबूत रखने का मतलब अगर अनंत लंबाई के समतल चादर की बात है, बाकी आगे क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो, अनंत लंबाई की समतल चादर के कारण जब भी आपको वैद्युत क्षेत्र निकालना हो आप यही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं कि किस किस टाइप में पूछा गया। पहला जो पूछा गया था 2017 और 19 में, वो पूछा गया था कि गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समतल अनंत चादर, यही चीज थी। और 2015-16 में ये कुछ इस प्रकार से पूछा गया था कि गॉस के नियम का प्रयोग करते हुए एक असीमित, असीमित का मतलब भी होता है अनंत, ठीक है, तो असीमित विस्तार वाली आवेशित समतल चादर के कारण निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा रहा है लेकिन मतलब वही है। यहाँ पे अनंत ना लिख के क्या लिखा, असीमित, इससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो असीमित का मतलब भी अनंत ही होता है। उसके बाद 2011 और 2018 में जो पूछा गया था वो किस रूप में था, वो ऐसे था कि वैद्युत स्थितिकी में गॉस का नियम का उल्लेख कीजिए। इसमें एक क्वेश्चन छोटा सा जुड़ गया, गॉस के नियम का उल्लेख, यानी गॉस का नियम क्या है वो भी आपको लिखना है, ठीक है। इस नियम का उपयोग करके अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत विस्तार अचालक प्लेट, ठीक है। यहां समतल चादर ना कहकर क्या कह दिया, अचालक प्लेट कह दिया, तो उसका मतलब भी प्लेट का मतलब समतल चादर, ठीक है। और जो 2013 और 2017 में पूछा गया था वो कुछ इस टाइप से था कि वैद्युत स्थितिकी में गॉस का परमेय का उल्लेख कीजिए, ठीक है, इसकी सहायता से अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट, यहां वहां अनंत विस्तार, ठीक है, वहां अचालक प्लेट की बात की थी, यहां समतल आवेशित प्लेट की बात कर रहा, बाकी क्वेश्चन दोनों में सेम ही था। तो इन सभी क्वेश्चन का मतलब यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे मान लिया, माना ये कोई हमारा समतल चादर है जिसकी लंबाई क्या है, अनंत, ठीक है। अब इस चादर से r दूरी पर हमें स्थित किसी बिंदु पर क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना। तो अब इस जैसे ये कोई समतल चादर है तो इसके दोनों साइड वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। तो इस साइड हमने एक पॉइंट P मान लिया, इस साइड भी एक पॉइंट P मान लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जो रूल हम हमेशा करते हैं वही फिर करेंगे कि जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वहाँ उस पॉइंट को कंक्लूड करके, यानी इंक्लूड करके हम एक गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं। क्या करते हैं, गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं और फिर ये कैलकुलेट करते हैं कि उस गॉसियन पृष्ठ से कितने वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, ठीक है। यही काम हमेशा जो है करना, जब भी गॉस के परमेय का उपयोग आप करेंगे तो ये चीज सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि क्या करेंगे कि जिस पॉइंट पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी उस पॉइंट को लेकर एक गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना, यानी गॉसियन पृष्ठ का मतलब पूरा क्लोज ऐसा पृष्ठ हम सपोज करेंगे कि वो उसके अंदर आ जाए। जैसे यहां पे है तो पॉइंट पे हम निकालना, तो इसको हम मानते हुए ये क्या कर रहे हैं, बेलन की परिकल्पना, यानी एक गॉसियन पृष्ठ, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। अब मान लेते हैं ये जो समतल आप चादर है इसके पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है, ठीक है। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है वो सिग्मा है, पृष्ठीय
आवेश घनत्व सिग्मा है। क्लियर? ठीक है। अब इस चालक से r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब चादर का जब पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है और तब चादर के गौसियन जो हमने गौसियन पृष्ठ खींचा है उससे बद्ध कुल आवेश कितना हो जाएगा, कुल आवेश कितना हो जाएगा, कुल आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा गुणे पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ का पूरा क्षेत्रफल जितना होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मान लेते हैं कि माना इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, माना पृष्ठीय क्षेत्रफल S है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना है S है, इस अनंत लंबाई के जो समतल चादर दिख रही है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने S मान लिया, तो कुल आवेश कितना हो गया सिग्मा S, कितना हो गया सिग्मा S। ठीक है, आवेश आपको क्लियर पता चल गया। अब जो हमने बेलनाकार पृष्ठ माना है उस बेलनाकार गौसियन पृष्ठ के वक्र पृष्ठ से सूक्ष्म आवेश, यानी हम एक क्या कर रहे हैं छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं सूक्ष्म, तो ये जो छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं तो यहाँ से छोटा यानी थोड़ा सा ले रहे हैं तो थोड़ा सा वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, तो सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा डी फाई इजकल टू हो जाएगा वेक्टर ई डॉट डी एस। ठीक है, अब ये हो जाएगा ई डॉट डी एस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं इसके अलावा ये जो गौसियन पृष्ठ है इस जो वृत्तीय क्षेत्रफल बन रहा है इस वृत्तीय क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा और इसका क्षेत्रफल वेक्टर दोनों के बीच थीटा एंगल यानी जीरो डिग्री का कोण बन रहा है, और वक्र पृष्ठ पर जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वक्र पृष्ठ के साथ वैद्युत क्षेत्र कितना बना रहा है 90 अंश, तो वक्र पृष्ठ के साथ कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा और केवल ये पृष्ठ का बचेगा, यहां और यहां का बचेगा। ठीक है, तो कितना हो गया जीरो, ई डॉट डी एस कॉस जीरो और कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, यानी ई डॉट डी एस, ये किसके कारण हुआ इस अनुप्रस्थ क्षेत्र, ये किसके कारण है अनुप्रस्थ के कारण। ठीक है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के कारण, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठ के कारण क्या हो जाएगा पूरा जीरो हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं संपूर्ण वक्र पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स वक्र पृष्ठ से जीरो, बेलन के दोनों अनुप्रस्थ के लिए इतना इतना, क्योंकि इतना एक के लिए हो जाएगा उतना इधर इसके लिए भी हो जाएगा, तो वक्र पृष्ठ के दोनों के लिए क्या हो गया ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस, और इसको क्या किया गया इंटीग्रेट कर लिया गया है, यानी जो स्मॉल क्षेत्रफल था वो पूरा क्या हो गया बड़ा क्षेत्रफल, यानी पूरा होल क्षेत्रफल ले लिया गया, कितना हो गया ई एस। ठीक है, संपूर्ण गौसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा 5 टोटल, वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला प्लस अनुप्रस्थ फिर दोनों अनुप्रस्थ। ठीक है, यानी लेफ्ट राइट इधर के कारण और इधर के कारण, यहाँ और यहाँ ये दोनों जुड़ जाएगा और ये क्या हो जाएगा वक्र पृष्ठ वाला पूरा जीरो। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ का जीरो हो गया है, ई ई कितना हो गया 2s हो गया। ठीक है, अब गॉस के नियम से फाई टोटल कितना हो जाएगा, गॉस का नियम क्या कहता है कि गुजरने वाला टोटल फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता, तो कुल आवेश कितना होता था ये हमने पहले निकाल लिया कि कुल आवेश कितना है सिग्मा एस, सिग्मा एस, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन, ये गॉस के नियम से हो जाएगा, और अभी अभी जो हमने प्रूफ किया वो फाई बराबर कितना निकला है, फाई बराबर निकला है ई डॉट एस, कितना ई डॉट एस, क्लियर 2 डॉट। अब ये वैल्यू यहां उठा के रख देना है, तो 2 E डॉट S इजकल टू सिग्मा S, तो E बराबर कितना हो जाएगा सिग्मा S अपान इधर एप्सिलॉन भी है एप्सिलॉन एप्सिलॉन अपान E इंटू S, E इंटू S। ठीक है, 2 से भी इधर है तो S से S कैंसिल हो गया, तो E बराबर कितना मिलेगा हमको सिग्मा बाई 2 E, E नहीं रहेगा यहाँ पे, सॉरी
टू एप्सिलॉन नॉट। तो ई बराबर कितना निकल गया, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। एक बार फिर इसको हम आपको समझा दे रहे हैं कि देखो फाई टोटल जो हमने कैलकुलेट किया ये है इक्वेशन नंबर वन, और गॉस की परमेय से फाई टोटल बराबर होता कुल आवेश यानी क्यू इन उसके अंदर कुल आवेश बटे एप्सिलॉन। तो कुल आवेश है सिग्मा एस, ठीक है, कुल आवेश है सिग्मा एस बटे एप्सिलॉन नॉट बटे एप्सिलॉन नॉट। फाई टोटल इक्वेशन नंबर वन और टू देखो, फाई टोटल की वैल्यू टू एस और यहाँ भी फाई टोटल की वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड अपने आप बराबर हो जाएगा, यानी टू ई एस इक्वल टू कितना हो जाएगा सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन, एस से एस कैंसिल हो जाएगा, तो ई बराबर कितना है टू, यहाँ पे टू बच रहा है, टू को दूसरी साइड भेज देते हैं तो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन ना ये वैल्यू आ गया। अब इसका सदिश रूप देख लो, सदिश रूप के लिए क्या करना है कि हमें जिस डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र की दिशा है उसी डायरेक्शन में क्या करना है एक यूनिट वेक्टर एन कैप लगा देना, ठीक है। तो ये वीडियो आई होप कि आपको बहुत पसंद आई होगी, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमको कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप लोग बताएंगे कि ये वीडियो हमें बहुत अच्छा लगा तो हम इसी टाइप से ढेर सारे वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बनाते रहेंगे। अदरवाइज अगर आप लोग नहीं कुछ रिएक्शन देंगे तो हमको ये नहीं पता चलेगा कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा। अगर पसंद आ रहा तो आप इसको अधिक से अधिक संख्या में लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और साथ ही हमको कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए और भी इसी तरीके से बोर्ड अनसॉल्व पेपर हम उठा के देखेंगे कि उसमें जो क्वेश्चन पहले चैप्टर से बहुत कई बार पूछा गया हो उसको फिर हम सॉल्व करके आपको दोबारा बताएंगे। ऐसे से क्रम वाइज से धीरे धीरे हम सभी चैप्टरों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपके सामने डिस्कस करेंगे और आपको अच्छी तरीके से बताएंगे, जिससे आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और एग्जाम में आप आसानी से 90 प्लस गेन कर सको, ठीक है। हेलो वेलकम, अगर अब तक YouTube के सबसे नंबर वन चैनल शुभम क्लासेस का आपने क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किया है तो ज़रूर ज्वाइन करें। इसमें आपको सभी विषयों के नोट्स, वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट ईयर पेपर और बचे हुए महीने में आप किस तरीके से सभी विषयों की तैयारी करें सब कुछ बताया जाएगा। तो ज्वाइन करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच।